पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलंय की आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. आत्ताच घोषित झालेलं आहे की जवळपास 5 लाखांची मदत जे मृत नातेवाईक आहेत त्यांना मिळणार असल्याचं कळतंय. दरम्यान स्थानिक आणि एनडीआरएफनं काही प्रतिक्रिया दिलेली आहे, आपण पाहूयात नेमकं काय म्हणणं आहे त्यांचं. हम लोग आके इधर देखे तो सब एरिया के लोग ज्यादातर काम किए सर, और फिर उसके बाद अपने महानगर पालिका के लोग भी आए, अपने मेयर साहब भी आए और लोग भी, सब नगर सेवक यहाँ के हमारे सब लोग जितने भी हैं वो सब आके इधर बच्चे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं. और अभी भी सर देखो, आप देखो उधर पे ग्राउंड फ्लोर भी दिखने तैयार नहीं है. उधर जो टेरिस है वो फर्स्ट फ्लोर पे आ गई है. ये 3 माले की बिल्डिंग थे, उसमें कम से कम सर अभी से 70 से 80 लोग दबे हुए अंदर. उसमें से अपने दोस्त लोग हैं, सब लोग हैं, उनकी फैमिली है, सब लोग हैं. उसके बाद फिर मालूम पड़ा कि इतने दबे तो मोहल्ले के लड़के लोग जितने थे सब इधर उधर मेहनत करने लगे. मोहल्ले के लड़के फिर उसमें फायर ब्रिगेड आया, आधे घंटे के अंदर वो आ गया. उसके बाद फिर ये काम चालू है. 3 माले का बिल्डिंग था, 40 से 45 साल उसको हुआ था बना के. वो 20 फीट नीचे धस गई है, कम से कम 20 फीट नीचे धस गई है. एक माला खाली दिखता है, 20 फीट के अंदर कितने लोग दबे, 70-80 है. क्या फैमिली है, एक फ्लोर पे 8 घर था. कॉर्डनिंग कर दिया है, कॉर्डनिंग करके हम वहाँ पे कैनाइन सर्च कर दिया ताकि हमें विक्टिम जो लाइव हो या जिस प्रकार के विक्टिम हो उसको हम सर्च कर सके, लोकेट कर सके और उसको वहाँ से इवैक्यूएट कर सके. अभी हमारा काम एक एस्केप रूट हमने पीछे के रास्ते से बनाया है और हम वहाँ से काम जारी कर रहे हैं. कठिनाइयाँ सिर्फ ये है, आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर की जो ये राइट साइड की बिल्डिंग पूरी जो स्लैब्स हैं वो टिल्ट हो चुके हैं, झुके हुए हैं. और ये भी पूरा स्लैब्स जो कि पिलर्स पे, हाफ पिलर्स पे अटका हुआ है, इसके अंदर रूफ बना के जाना ये बहुत कठिनाई का काम है. इसके अगर ये कोलैप्स हो जाएगा बीच में तो उस बहुत दिक्कत हो जाएगी. इसलिए हम लोग पहले स्टार्टिंग में मैनुअल और बड़े इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहे, क्योंकि उसके जंपिंग से और उसके प्रॉब्लम से ये भी कोलैप्स हो सकती है. इसलिए हम मैक्सिमम 50% मैनुअली और 50% जो मैनुअली के द्वारा हम इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं वही यूज कर रहे हैं.